अस्सलाम वालेकुम, डेली मार्केट रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। आज का दिन फिर मार्केट के लिए जो एक बुरा दिन था और मार्केट जो है 602 पॉइंट जो है वो नेगेटिव के साथ क्लोज हुई और इंडेक्स 39,720 के लेवल पे जो है वो बंद हुआ है। आज के दिन जो एक्टिविटीज़ भी काफ़ी जो है वो इतनी कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं देखी और वॉल्यूम भी कोई खास इतना अच्छा नहीं था। रीज़न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिस तरह खबरें आ रही हैं और डेली बेसिस पे वीकेंड के दौरान भी खबरें आती रहीं, आज के दिन भी खबरें थी। सबसे पहले आपको सब पता है कि जो हमें प्लेच जो है लास्ट वीक या उससे पहले जो है हमें प्लेच फ्रेंडली कंट्रीज़ और मल्टीलेटरल डोनर्स ने जो किए थे वो पैसों का अब तक इनफ्लो जो है वो हुआ नहीं है। और उसके साथ साथ जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी जो कमिटमेंट्स की थी वो भी अब तक पैसे पाकिस्तान में आएंगे, जिसकी वजह से शॉर्टेज नज़र आ रही है। और यही वजह है कि एलसीस वगैरह जो है रुकी हुई है और पोर्ट पे जो है इस वक्त माल जो है जिसमें खाने पीने की चीज़ें भी हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी, रॉ मटेरियल भी है, वो पोर्ट पे जो है वो फंसे हुए हैं। और आज खबर ये भी आई है कि शायद पॉसिबली हो सकता है कि ऑयल की भी सप्लाई चेन या ऑयल की भी इम्पोर्ट्स वगैरह वो भी जो है इफ़ेक्ट हो सकती है। तो उसी रीज़न पे इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो थोड़ी सी वर्स की वजह से जो है वो इन्वेस्टर्स थोड़ा साइडलाइन है। और पॉसिबली एक खबर ये भी है कि शायद नेक्स्ट मंडे को जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी उसमें 100 to 200 बेसिस पॉइंट जो इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी जो है वो रिडेम्पशन वगैरह और इस तरह की चीज़ें, लोग इक्विटी से निकल के फिक्स की तरफ जो है वो जा सकते हैं, जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने मार्केट को जो है ओवरऑल वर्स कंडीशन दिया। एक पॉजिटिव न्यूज़ थी वो लॉटकैम के हवाले से आई थी, जो कोरियन कंपनी है उन्होंने जो है अप्रूवल दे दी है उनकी आज उनकी बोर्ड मीटिंग ने कि LCI जो है यानी कि जो ICI था जो है वो लॉटकैम की एक्विजिशन जो है वो कर सकता है। और उसमें इसकी वजह से जो है आज LCI का शेयर भी और लॉटकैम का शेयर दोनों जो है पॉजिटिव उसमें जो बंद हुए। ओवरऑल सबसे ज़्यादा काम जो है WTL के अंदर हुआ है, इसके बाद हैस्कॉल, इसके बाद लॉटकैम के अंदर जो है थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। कल का दिन भी और पूरा वीक जब तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आती है, मार्केट जो है कुछ मोमेंटम पकड़ेगी, इसी तरह का जो है हम कल का दिन भी जो है वो सेशन देख सकते हैं। थैंक यू।